हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ड्रीमर एंड वेलकम बैक टू पैल वर्ल्ड। आज हम लोग अपना गेम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड एवरीथिंग। मैंने देखा थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, मैंने ये भी देखा कि लाइक भी बढ़ रहे हैं, मैंने ये भी देखा कि व्यूज भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि आप लोग देख रहे हैं। तो आइए, हाँ, मैं जानता हूँ, एक चीज़ मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है, पिछली स्ट्रीम में लेवल 6 के बाद तक का था, हाँ थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट किया है ताकि लोग जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। जैसे जैसे मैं करूँगा, जैसे जैसे इस वीडियो में होता रहेगा, वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। साथ में हम लोग इस जर्नी के लिए हैं, इस जर्नी को हम लोग साथ में ले रहे हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है एंड में। और मेरे सारे बागड़ बिल्ले, मेरे डिस्काउंट पिकाचू सब लगे हुए हैं बनाने में चीज़ें। वेपन मेरा डैमेज है, थोड़ी देर में भी इसको मैं ठीक करूँगा। अगर आप वंडर कर रहे हैं तो हाँ, ये प्री रिकॉर्डेड है, इसमें बाद में डबिंग हो रही है। फ्यूचर में जो पैल वर्ल्ड के एपिसोड्स हैं, क्योंकि ये नया गेम है, हम लोग को कोई आइडिया नहीं था हम लोग किस चीज़ में घुस रहे हैं, बस इतना पता था कि हाँ ये नया गेम है, ये पॉपुलर गेम है, इसको करना चाहिए। तो फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगे उसमें 100 सब्सक्राइबर जब मेरे हो जाएंगे तो मैं लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस डालूंगा जिसमें प्ले गेमिंग के साथ मेरी आवाज़ रहेगी। हाँ, तो अभी फ़िलहाल देखिए, मैं जो कैरेक्टर मैंने बनाया है, जो मैं कैरेक्टर है वो बहुत भुलक्कड़ टाइप का है। तो आप बार बार ओवर द ईयर्स भी जो भी गेम्स अगर मैं खेलूँगा इस टाइप के सर्वाइवल गेम्स, तो अगर उसमें स्टोरेज सिस्टम ऐसा रहेगा तो मैं बार बार डिब्बे खोल खोल कर देखूँगा कि मैंने क्या कहाँ रखा है, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। इसमें इतने आइटम्स, इतना सामान है कि मुझे कभी याद नहीं रहेगा कि क्या मैंने कहाँ रखा है, तो मैं देखता रहूँगा। इसमें हम लोग के पास एक एडवांटेज ये है कि वही आर दबा के हम एक बार में सब आइटम स्टोर कर सकते हैं। चलिए, धीरे धीरे हम लोग का बेस भी बन रहा है, धीरे धीरे हम लोग बेस में और पैल्स डाल रहे हैं। वेपन डैमेज है, पता नहीं क्या है, मुझे दिख नहीं रहा है क्या है, लेकिन जा रहे हैं और लकड़ी काटने। वेपन डैमेज है फिर भी लकड़ी काटने जा रहे हैं, टूटी हुई कुल्हाड़ी लेके। थोड़ी देर में मुझे समझ में आ जाएगा कि कुल्हाड़ी टूटी है जिससे मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ, जिससे मैं लकड़ी काट रहा हूँ वो कुल्हाड़ी टूटी है, अभी जाके मुझे कुल्हाड़ी बनानी पड़ेगी। चलिए, हाँ, गेम इसलिए भी रिकॉर्डेड है क्योंकि शुरू के गेम में बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग है, खासकर वुड और स्टोन की तो बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग है। वो ग्राइंडिंग कहाँ से बंद हो जाती है वो भी आप अभी समझेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे गेम में। सो प्लीज़ ट्यून इन द फ्यूचर वीडियोज ऑल्सो। देखिए, मैं बार बार ये एक बार में सब चला गया, बार बार मैं खोलूँगा चेस्ट को, संदूकों को अपने, और बार बार मैं चेक करता रहूँगा कहाँ पे क्या है। ये अपने पैरस को खाना दे दिया, ये डिस्काउंट पिकाचू फिर कुछ करने जा रहा है। और खाना बनाने के समय, क्योंकि मेरे पास इस समय कोई फायर टाइप पैल नहीं है, अगर फायर टाइप पैल हो जिसके पास किंडलिंग स्किल है, मैं दिखाऊंगा किंडलिंग स्किल क्या होता है। फायर टाइप पैल अगर हो तो आप उसको अपने बेस में डालो, और जब भी आप कैंप फायर में कोई चीज़ पकाने के लिए रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जाकर के पकाना स्टार्ट कर देगा। या आप अगर आगे चल के हम लोग के पास फर्नेस आएगी, उसमें अगर आप इनगट्स या चारकोल बनाओगे तो वो भी उसमें भी वो करते हैं, जितना हाई स्किल उतना तेज़ काम। इसीलिए मैं क्राफ्टिंग स्किल में नहीं डालता कोई भी पॉइंट्स जब भी लेवल अप होता है, क्योंकि हमारे पैल्स जो हैं वो हमसे तेज़ी काम करेंगे हमेशा। खैर, देखा जैसे आपने देखा मेरे सेट्स डाउन हो गए थे, जब भूख लगती है तो अपने आप को सेटेड रखना रहता है इसमें। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे पैल्स को भी। अगर आपने अपने हमारे पैल्स को के लिए खाना एम्पल नहीं रखा है फीड बॉक्स में, तो उनकी भी वर्किंग स्पीड जो है और जो है एफिशिएंसी है वो गिर जाएगी। हाँ, उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं इसमें जैसे जैसे आप समझेंगे। अरे यार, जल गया। हाँ, ये भी है, ओपन फ्लेम सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आप जल जाएंगे अगर उसमें जाएंगे, है ना। ये एक टैक्टिक भी है, एक बात है, मेरे कैरेक्टर की टेनासिटी कमाल की है। आदमी के शरीर में आग लगी है लेकिन फिर भी अपने पैल्स के लिए बिस्तर सेट कर रहा है, बनाएंगे वो खुद ही, गुड इनफ। खैर, चले देखें, एक और पैल मैं डाल सकता हूँ लेकिन ये सब का कोई पॉइंट नहीं बनता। गुमोस, हाँ गुमोस डाल देंगे। एक्चुअली मैं
स्टार्टिंग के लिए अगर आप जब अपना फार्म स्टार्ट करें, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें आपको तीन टाइप के पैल्स चाहिए होते हैं। एक पैल हो जिसके पास सीडिंग का स्किल हो, जो बीज बोएगा। एक पैल हो जिसके पास वाटरिंग का स्किल होता है ना, वो पानी डालेगा उसमें। और एक पैल हो जिसके पास गैदरिंग का स्किल होगा, तो वो हार्वेस्ट करेगा आपकी बेरीज। और उसके बाद जिसके पास भी ट्रांसपोर्टिंग का स्किल होगा, वो आपकी बेरीज उठा करके ले जाकर किसी भी डब्बे में रख देगा। हाँ, ऐसे ही चलता है। कपड़े पहने नहीं है तो देखिए डैमेज पड़ रहा है ठंडी हवा से। हाँ, बाकी सब सो गए हैं, बेड्स बना दें, सो गए हैं। अगर बेड्स नहीं बनाएंगे तो पैल्स जो हैं अपसेट हो जाएंगे। धीरे 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 कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी वुड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्टोन कंस्ट्रक्शन में और मज़ा आएगी, वो भी ओवर टाइम आएगा। इस गेम में अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा मैकेनिक नहीं है कि आप चीज़ें सीधा उठा के मूव कर सकें। इसमें आपको डिस्ट्रॉय करके रीसेट करना पड़ता है क्योंकि लेकिन हाँ, आपको जितना भी आपका रिसोर्सेज को चीज़ को बनाने में यूज़ हुए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। अभी जैसे हम लोग अगर हम लोग बेस शिफ्ट करेंगे यहाँ से, तो उसमें उसका वीडियो काफ़ी लंबा आएगा क्योंकि सारा सामान उठा उठा के ले जाना, क्योंकि लिमिटेड वेट है उसमें। वो सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, स्पीड अप करूंगा, तो आपको मैं बोर नहीं करूंगा उसमें। अब ये मूर्ति मैं बनाऊंगा जिससे मुझे मिलेगी ताकत। वो ताकत कैसे मिलेगी वो भी मैं दिखाऊंगा, है ना। अब ये मूर्ति नीचे क्यों नहीं आ रही? अरे कहाँ गई बे? अबे रखी पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो ग्लिच है, ये तो ग्लिच है, ये तो ग्लिच। चलो सो जाते हैं, कल करेंगे। सुबह हुई मामू, सूरज चचा जाग गए, सब काम पे चलो फिर मूर्ति बनाने का ट्राई करते हैं। मूर्ति है क्योंकि छत के नीचे नहीं आएगी मूर्ति है। चलो ठीक है, यहाँ बना देते हैं। मूर्ति बनी नहीं लेकिन मेरे पास से सामान चला गया उस मूर्ति का। खैर चलो देखते हैं, फिर से डालते हैं पैर को, फंस गए थे पहले। ओके वेयर टू नाउ? जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास 167 गोल्ड है, वो भी काम आता है। अब वो पीछे तीनों मिलके बीट बना रहे हैं, टना टन टना टन टना टन टना टन। हैं ये 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 और बेड्स और पैल्स। जैसे जैसे बेड पैल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेड्स लगाने हैं। ओवरऑल देखा जाए क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, पैल्स के हेल्थ के फैक्टर्स भी हैं, पैल्स के मूड के फैक्टर्स भी हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पिकैक्स फाइनली मैंने बना ली, मेरे बागड़ बिल्ले ने मेरी हेल्प करी पिकैक्स बनाने में। अब मैं वो बनाऊंगा ताकि औरों को हेल्प कर करके पकड़ सकूं। उसमें ये डिस्काउंट पिकाचू मेरी हेल्प करेगा, साइज पिकाचू का, पूंछ रायचू की। खैर अब ये, अब इसको मैं क्या बोलूँ, है तो नाम इसका फॉक्स पार्क। चलिए ठीक है, आपसे मैं एक चीज़ मांगूंगा, एक चीज़। कमेंट्स में जिन पैल्स को मैं अपनी टीम में आगे चल के यूज़ करूंगा, उनके निकनेम्स आप मुझे दीजिए। जो हाईएस्ट लाइक्ड कमेंट होगा वो निकनेम मैं इस्तेमाल करूंगा ऑफिशियली। आइए देखते हैं क्या होता है। हाँ, बार 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 खोल खोल के मैं देखूंगा कि कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे कैसे रखा है। हाँ एक चीज़ और है, अगर आप अपनी इन्वेंट्री में पेरिशेबल्स रखें, अपनी इन्वेंट्री में या किसी बॉक्स में भी अगर आप पेरिशेबल्स रखे हैं, पेरिशेबल्स माने वो चीज़ें जिनका कोई टाइमर रहता है, एक शेल्फ लाइफ होती है, तो आप जाइए उस इन्वेंट्री में, जा कर के सिंपली सॉल्ट बटन को दबाइए, वो टाइमर जो है रीसेट हो जाएगा उसी टाइम, है ना। मैं करके दिखाता हूँ अभी ना। अभी फ़िलहाल जमा कर रहे हैं ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग एंड मोर ग्राइंडिंग। ये ओर है, ये भी बहुत काम आएगा, इसी से मेटल बनता है, सारे मेटल टूल्स इसी से बनते हैं, रिपेयरिंग के लिए भी यही यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ग्राइंडिंग जो पूरे गेम में आपको करनी है शुरू से लेके एंड तक, वो मेटल की है, क्योंकि वुड और स्टोन बहुत आसान हो जाएगा अभी। अभी फ़िलहाल तो मुझे जा करके कुल्हाड़ी चलानी पड़ रही है, एकदम लकड़ हारा बन रहा हूँ मैं, लकड़ हारा, लकड़ से हारा, लकड़ी के चक्कर में हारा। खैर कटाकट कटाकट। डिफॉरेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। कोई लेकिन वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे 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 फॉरेस्ट आप तबाह कर दीजिए, इसमें काट दीजिए,
दो तीन दिन में फिर हो गएंगे, डिपेंड करता है आपकी वर्ल्ड सेटिंग्स कैसी है, रिसोर्स रीसेट की। ये शॉर्ट बटन मैंने दबाया, देखिए सारे के सारे खाने की चीज़ों के जो टाइमर से वो रीसेट हो गए तुरंत उसी टाइम में। ये शक्तिमान की तरह क्या खड़ा है बे, कमर पे हाथ रख के खड़ा है, उड़ जाएगा घूमता हुआ। चलो जरा देखें, फॉक्स पॉक्स को डाल दे, जाओ खाना बनाओ मेरा, जाओ चलो जाओ खाना बनाओ। अरे फिर जल गया, फिर जल गया, फिर जल गया मैं, फिर जल गया, फिर से जल गया, फिर से जल गया। मेरे पड़ोसी आके मुझे गाड़ देंगे जमीन में, है ना। नहीं, पानी पानी तो मैं नहीं दूंगा। चलो देखें, ये जो डिस्काउंट पिंगूज है, पिंगूज पेंगलेट्स, इस तरह से आप अगर इस गेम को स्टार्ट कर रहे हैं तो पेंगलेट आपके लिए बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि ये बिल्ड भी करते हैं, ये वाटर भी करते हैं, और ये जो है आपकी हेल्प भी करते हैं क्राफ्टिंग में। हाँ तो चलो पकड़ते हैं इसको, पकड़ लेना चाहिए पहले। आइस मिसाइल मार मार के मार मार के तेरी ऐसी कैसी, अबे नहीं पकड़ा, अबे पास तो गेंद भी नहीं है। अबे यार कितना जमाओगे, तुम्हारी रगों में लिक्विड नाइट्रोजन दौड़ रहा है क्या बे, रुको जरा एक सेकेंड आता हूँ वापस में। अबे कुछ देखा मैंने, रुको पोस्ट में दिख रहा है, पहले नहीं दिखा, बाद में दिखेगा मुझे। इस डिस्काउंट पे कच्चों को भी डालो यहाँ पे, जब मुझे पिकैक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक बेड और बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास फॉक्स पार्क के लिए बेड नहीं है। आप देख पा रहे हैं मेरा जो कैरेक्टर मैंने बनाया है इसमें, ये है भुलक्कड़ टाइप का, लेकिन बहुत परफेक्शनिस्ट है, हर चीज़ को ग्रिड में चाहिए। तो मेरा पूरा गेम बेस आपको मोस्ट लाइकली ग्रिड में मिलेगा, ग्रिड पैटर्न में। हर चीज़ कोई भी चीज़ बहुत ऑर्गेनिक तरीके से स्ट्रक्चर में नहीं रहेगी, रहेगी ग्रिड स्ट्रक्चर में ही। हो गया भैया, चलो लगा दो उसको, आओ अपना बिस्तरा खुद बनाओ। चलो थोड़ा पैल स्फीयर्स बनाया जाए, थोड़ा सा 13 पैल स्फीयर्स इनफ रहेंगे अभी के लिए। कोई हेल्प कर दे आके मेरी, या अकेले मुझे बनाना है, कोई तो आ जाओ, मतलब बिस्तरा बना के आओगे आप तो आ जाओ। कौन आएगा, बगड़ बिल्ला आएगा, आओ गुलाबी बिल्ले थोड़े से बनाने में हेल्प कर दो। ये बड़ी स्पीड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक पत्थर दो पत्थर और लकड़ी से कैसे बन रहा है, वो गोल्डन कलर कहाँ से आ रहा है। खैर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेग इन पैल वर्ल्ड। हाँ भाई ठीक है बनाओ, अरे कहाँ चला गया, एक बच्चा था मैं। अच्छा पिकाचुक बोल दीजा, तुम बनाओ, ठीक है चलो तुम बनाओ। हाँ ठीक है, बहुत खुश हो भैया अपने काम से, चलो कम से कम हैप्पी वर्कर्स। चलो अच्छा, उसकी लाइफ अभी बढ़ी नहीं है और वो मरा भी नहीं है। एक को तो पकड़ूंगा मैं किसी तरीके से, एक तो पकड़ में आएगा। इधर आ तेरी ऐसी तैसी, राइट ऑन योर बम। हाँ ये भी है इसमें, अगर आप पीछे से पैल बॉल फेंक रहे हो तो आपको बूस्ट मिलता है कैच रेट में, पीछे से अगर फेंक रहे हो। हाँ कैसे भी, अगर मतलब पैल को पता नहीं है कि आप पैल बॉल फेंकने वाले हो तो बूस्ट मिलता है, लेकिन अगर पैल को पता भी है और आप उसकी लाइफ कम कर रहे हो, उसमें भी अगर आप किसी तरह पीछे से फेंक दे रहे हो पैल बॉल तो उसमें बूस्ट मिलता है। हाँ तुम कहाँ देख रहे हो, मैं ऐसे देखो क्या, इधर आओ, अरे ये क्या था, इधर आओ पकड़ो में आओ जरा हमारी। हाँ इनका देख रहे हो, रुक जाओ, टंगड़ी कबाब बना खा जाएंगे, मरा लेकिन कबाब नहीं दी। चलो घुमाओ से सही, ये रश रोर के सिम्टम्स मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, मुझे बड़ी गंदी नज़रों से देख रहा है, क्या है भाई मारेगा क्या। आओ चचा तुम्हारे भी आँखों के बीच में मारूंगा, इधर आ तेरी ऐसी कैसी। जिधर कि आप देख सकते हैं हेड शॉट्स अच्छा डैमेज करते हैं, तो आप वेरिएबल डैमेज कर सकते हैं। अरे मिड अटैक पकड़ लिया, आ जाओ आ जाओ, आ गया। हाँ ये मिली टंगड़ी, अब
हाँ, ये एक पैल है जो आप ज़रूर पकड़िएगा, बिक्सी। इसका मेन फीचर ये है कि अगर आप इसको रैंच में अपनी डालते हैं तो ये जो है पैल बॉल्स और एरोज और चीज़ें जो है वो खोद के निकाल के आपको देगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 3-4 बिक्सी डाल रखे अपने रैंच में और फिर आप गए कहीं एडवेंचर में एक्सप्लोरिंग करने, जब तक आप वापस आएंगे तो आराम से आपको 20-30 पैल बॉल्स मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छे उसमें मिला है। और ये डिस्काउंट डैफी डक, इधर आओ, डिस्काउंट डोनाल्ड डक, डिस्काउंट डक, एक को छुआ सब आ गए मारने। चलो छोड़ो, जा रहे हैं। वैसे मेरे पास ज़्यादा बॉल्स बची नहीं है, मुझे अभी कोई वाटर टाइप पैल की ज़रूरत नहीं है। जब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम लोग निकलेंगे 10-10 पकड़ने, तब इनके इनका ढूंढेंगे। थोड़ा सा पैल्डियम फ्रैगमेंट्स कर लें ताकि और बॉल्स बना सके। अरे डर भी को एनहेंस करो, लेवल अप हो गया भैया, लेवल 7 पहुंच गए। रश रोर का सैडल ले लिया, फॉक्स पास का सैडल ले लिया। फॉक्स पास का देखिए सैडल नहीं, हारने से इसको, इस एक पैल को आप यूज़ कर सकते हो एज अ, अबे 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 रुक, तेरी ऐसी की तैसी, रुक 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 रुक, इधर आ इधर आ इधर आओ। जब तुम काम छोड़ के आ गए थे तो क्यों आए लड़ने हमसे? तुम इधर आओ इधर आओ, तुमको पानी क्रीचर डुबा के मारेंगे। रुक जाओ, इधर कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, कहाँ गए? इधर आओ इधर आओ इधर आ बे, इधर आओ। एकदम डैफी डक वाला इनका टेम्परामेंट है। इधर आ, कहाँ गए? इधर आ, ये लो, छेद कर दूंगा खोपड़े में तेरी ऐसी। बे लाइफ कम हो गई, बहुत कम हो गई लाइफ, बहुत कम हो गई बहुत। अबे यार एक हिट में मर जाऊंगा। रुको, तेरी तेरी तो टक टक चल गेंद। अबे पीछे से मार दिया, पीछे से मार दिया, गोते लगाते रहेगा। चलो कम से कम बेस के पास में ही है तो वापस आके सामान ले सकते हैं। मेरे जो पैल्स हैं वो लगे हुए हैं काम पे बड़े तगड़े तरीके से। चलो भैया, चलो 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 चलो, पैल गियर वर्क बेंच एक ठो बनानी है तो और एक पैल में डाल पाऊंगा अपने बेस में। चलो पेंगलेट को डाल दे ताकि मेरे खेती बाड़ी का काम आगे बढ़ सके। खेती बाड़ी का काम, बिना पानी के तो खेती हो नहीं सकती, और खेती बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, इनकैपेसिटेट हो जाएंगे। लेकिन हाँ भाई, हम लोग को भी खाना है, इनको भी खाना है, जितना ज़्यादा पैल्स उतना ज़्यादा खाना है। अब जब एक बार फार्म आपका सेटल हो जाएगा ना, एक बार लूप उसका क्रिएट हो जाएगा है ना, तो फिर कि कहते हैं 100 200 300 जब आप लौटेंगे आपको बेरीज मिल जाएंगे। तो आराम से उसको पकड़ने लगा दीजिए। और किंडलिंग लेवल अगर आपके पैल का लेवल 2 या 3 है तो बहुत तेज़ पकता है, तो पका करके उसको रख दीजिए पैल बॉक्स में, लोग खा लेंगे। एक विक्सी और मुझे दिख रहा है, इसको भी मैं पकड़ूंगा। विक्सी सच में बहुत अच्छे पैल्स हैं, क्योंकि तो आपको फ्री के पैल स्पीयर ये देते हैं है ना, तो फ्री टाइम में अपना रैंच में पैल स्पीयर जनरेट हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये नॉर्मल वाले पैल स्पीयर आपको देंगे, जितने भी हाई टीयर पैल स्पीयर आते हैं वो आपको नहीं देगा। संदूक दिखा मुझे, उसके बगल में ये 2 ठो थग्स, इनको तो मैं एक कुल्हाड़ी से मार दूंगा। इधर तेरी से इधर खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा हम। अच्छा, खोपड़ी मारोगे, खोपड़ी मारोगे, इधर आ इधर आओ। इस गेम में फिजिक्स नहीं है अच्छी, हम नहीं गिरेंगे, हेल्थ है इसमें, हेल्थ। आप लोग प्लीज बताइए और कौन से गेम्स हम आपके लिए स्ट्रीम कर सकते हैं, और कौन से गेम्स हम आपके लिए वॉक थ्रूज कर सकते हैं, और कौन से गेम्स हम लोग कवर कर सकते हैं। अरे ये अटैक करेगा बच्चों, हट 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 हट, इधर आप, मैं खोपड़ी के बीच में मारेंगे तक तेरी ऐसी तैसी। अरे भैया, एक तो हाँ रश रोर को आप काफ़ी आराम से डॉच कर सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन अटैक होता है इसका, लेकिन बहुत तेज़ अटैक होता है इसका। ये सीधा सीधा आंखों के बीच में और धर लेंगे अपन का 62%। अरे निकल आया, निकल आया, निकल आया, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, हटा।
अब पकड़ लेगा, पकड़ ले, नहीं पकड़ा, अबे नहीं पकड़ा। भागो यहाँ से, अब पकड़ लिया। चलो एक और रेस्टोर मिल गया। जरा देखें और कौन कहाँ कैसे है। यहाँ पे लगा दो एक ठो, जरा डंजन मार्क कर दिया मैंने अपने मैप पे, ताकि बाद में जब हमको एक्सपीरियंस फार्म करना हो और हमारे पास वो 10 पकड़ने वाले ना हो, या सिंपली हम लोग को अपनी टीम का लेवल अप करना हो, तो डंजन्स एंड बॉस फाइट्स आर द बेस्ट थिंग टू लेवल अप योर टीम। द 5 पैल्स दैट यू कैरी विद योरसेल्फ, जो 5 पैल आप कैरी करते हैं अपने साथ, उनको लेवल अप करने के लिए डंजन्स और बॉस फाइट्स जो हैं वो बेस्ट जगह हैं। चलो चलें, चलो चलें घर वापस चलें। नहीं बे, इनका रहने दो, अभी दो ठो पैल बॉल्स बची हैं, अगर मिस हो गई दिक्कतें हो जाएंगी। और यहाँ से ये आ जाएंगे अंदर बेस में लड़ने के लिए। तो सब पैल फ्रैगमेंट्स ले, पैल डीम फ्रैगमेंट्स, ताकि हम लोग बॉल्स बना सकें। इन लोग को थोड़ा माइनिंग रेट्स, चलो खैर मैं भी अपनी सेटिंग्स में से माइनिंग रेट्स बढ़ा सकता हूँ। आप यहाँ ये भी बताइएगा, थोड़ा सा हार्वेस्ट रेट्स बढ़ाऊँ कि यही रहने दूँ, ताकि जैसे अभी हम लोग को 5 मिल रहा है, अगर मैं बढ़ाता हूँ तो एक केस एक पत्थर से 15 पैलियम फ्रैगमेंट्स मिलने लगेंगे। अगर मैं चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, तो जैसा वो बताइएगा, क्योंकि थोड़ा ग्राइंडिंग कम हो जाएगी और कुछ नहीं है। पैलियम फ्रैगमेंट्स की भी कोई माइनिंग नहीं है, इसको भी हम लोग को ग्राइंड करना है। खैर डंजन से काफ़ी मिल जाते हैं, प्लस आई थिंक कि कोई गैजेट है जिससे हम लोग स्टोन से ही पैलियम फ्रैगमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन वेन विल गेट देयर देन विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। जरा पासवर्ड सेट कर दें इसका, हाँ वरना कोई भी घुस आएगा। हाँ इसकी डिटेरियोरेट कर रहा है। अरे ऊपर है, यही तो हम देखे थे उस टाइम, तभी वापस आए थे लगता है। गेम प्ले में नहीं देख पाया मैं, ऊपर है तभी इसके नहीं मिले मुझे वापस रिसोर्सेज, अब मिल गए। चलो ठीक है, ठीक है। आओ जरा थोड़ी सी और बेक्ड बेरीज हमको दो, 10 तो बनाओ। और कहाँ हो, आ गई, ये आ गई। छोटे पैल्स इस्तेमाल करना उनके क्या कहते हैं हार्नेस और इन सब चीज़ से, मेनली जो आपको पैल्स मिलेंगे जो आपके लिए ग्लाइडर का काम कर सकते हैं उनको आप इस्तेमाल करिए। ये पैल्स की जो पावर होती है वो बहुत मोमेंटस होती है, बहुत बहुत हल्की फुल्की होती है, मतलब बहुत लंबे समय तक ये नहीं चला पाते। जैसे कि ये फॉक्स पार्क्स है, ये इसको आप फ्लेम थ्रोअर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लिफमंक एक तो ग्रीन कलर का पैल आएगा जिसके हम लोग एफिजीज कलेक्ट कर रहे हैं, वो मशीन गन, सब मशीन गन चलाता है। और एक ग्रीन कलर का मंकी टाइप का पैल है, वो असॉल्ट राइफल चलाता है, लेकिन उनका जो अटैक है इन सब चीज़ों का वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। पर अपसाइड ये है कि उनके लिए आपको फिर कोई एमो नहीं बनानी है, जब उनका अटैक कूल डाउन से हटेगा एक्टिव होगा तब आप उसको यूज़ कर सकते हो, एमो की कोई झंझट नहीं है। तो गिव एंड टेक है, कुछ सम थिंग्स आपको मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। चलते चले जा रहे हैं। अब विक्सी को डालने के लिए जगह नहीं है, तो हाँ ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब आपके पैल्स बढ़ते चले जाएंगे, 100 पैल्स 150 पैल्स हो जाएंगे, तो बाय पैल डेक नंबर यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो, आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, तो सारे पैल्स आपके लाइन से सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो है, ये सारे के सारे पत्थर हमारे जो बेस का जो ये रेडियस बना हुआ है इसमें तोड़ देगा, तो इसको मैं सीधा असाइन कर सकता हूँ, जाओ जा कर के उसको तोड़ो, जो कि हुआ नहीं क्योंकि वो पत्थर जो हम लोग के रेडियस के बाहर था। चलो 10 मेरी बन गई, अब मैं चीज़ें डाल दूँगा इसमें, चीज़ें मतलब रिसोर्सेज डाल दूँगा बक्से में। हाँ रोमियो से मैंने कहा था कि थोड़ा सा आना मज़ा करेंगे, लेकिन उसका कुछ प्लान था कि कहते हैं अपनी गेमिंग का, वो पबजी में, पबजी क्या बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में बहुत प्रो हो गया है, उसके भी हम लोग वीडियोस डालेंगे जिसको वो लीड करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ में मास्टर है।
हम लोग भी खेलेंगे उसमें, मैं भी खेलूंगा, वो भी खेलेगा, हमारा जो तीसरा साथी है जिसको जिससे आपको हम लोग तभी मिलाएंगे वो भी खेलेगा, तो पबजी के वीडियोस डालेंगे। जो हमारा तीसरा साथी है वो हमारे व्लॉग संभालेगा, उसका उसमें मास्टरी है, वो मोटो व्लॉगिंग करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे हैं हम लोग, जब तक मैं पैल सॉर्ट कर रहा हूँ, हम लोग निकलेंगे अमृतसर के लिए प्रयागराज से मोटो व्लॉगिंग करते हुए बाइक से। तो उसके व्लॉग्स को भी लुक फॉरवर्ड करिए, वो भी हम लोग के दूसरे चैनल पे आएंगे, वो चैनल का लिंक भी हम लोग इस चैनल पे शेयर करेंगे। हाँ तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। वील ट्राई टू डू आर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट एंड वील ट्राई टू डू आर बेस्ट टू शो यू द बेस्ट प्लेसेस इन अमृतसर एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अलॉन्ग द वे ऑल्सो। चलो एक बेड और डाल दें वरना स्ट्रेस हो जाएगी विक्सी जो है। अच्छा एक चीज़ और है, अभी जब मैं रैंच बनाऊंगा और विक्सी को उसमें डाल दूंगा तो विक्सी जाकर रैंच में ज़्यादा सोएगी, बेड खाली रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ब्रेड बेड ना रखो तो अपसेट हो जाते। खैर चलो अगले दिन की सुबह हुई, चंदा मामा सो गए काम पर, चलो सब लोग। अगर आपको ऐसा चाहिए, जैसे अगर नाइट में आप निकलते हैं एक्सप्लोर करने, तो पहली चीज़ तो कपड़ा पहनिए। मैं तो बस ये एक तो चादर ओढ़ के घूम रहा हूँ इतनी देर से इस गेम में। क्लोथ्स आप पहन लेंगे तो रात का जो नॉर्मल ठंडा है नॉर्मल ग्रासलैंड्स और फ्लैटलैंड्स में तो आपको बॉदर नहीं करेगा। तो अगर आपके पास एक अच्छा राइडिंग पैल भी है तो आप रात में घूम करके नाइट टाइम पैल्स पकड़ सकते हो, उससे आपको एक एडवांटेज क्या मिलता है, वो सारे पैल्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, वो सुबह भी काम करते हैं रात में भी काम करते हैं, सोते नहीं है, लेकिन बेड उनको भी चाहिए। हाँ, वो थोड़े थोड़े बहुत वो पैल्स जो होते हैं वो हमारे तीसरे साथी की तरह होते हैं। हाँ ये आदमी भी जो है दिन भर काम करता है रात भर काम करता है, सोता पता नहीं कब है। और हमारे रोमियो जो है वो अलग टेम्परामेंट के हैं, वो गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, इसीलिए मोटो ब्लॉगिंग का काम दूसरे आदमी का है। व्लॉग में ही आपको विस्तार से बताएंगे कि हमारे रोमियो भाईजान जो है वो किस टाइप से और किस तरीके से और कितनी बुरी तरीके बुरे बुरे हालातों से ये गुजरे हैं दो पहिया गाड़ी के चक्कर में ना। जब वो टाइम आएगा तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगी। अभी फ़िलहाल पैल वर्ल्ड, क्योंकि गेम हमारा अभी स्टार्ट हुआ है और ग्राइंडिंग बहुत है, तो थोड़ा सा आपको अगर बोर लग रहा है तो प्लीज़ हम लोग को बताइएगा कमेंट्स में कि किस तरीके से इसको और हम लोग फन आपके लिए बना सकते हैं। उसके अलावा जब 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, मैं लाइव गेमिंग स्टार्ट करूँगा। लाइव गेमिंग माने कि मैं जैसे जैसे गेम करूँगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करूँगा 100 सब्सक्राइबर से। अभी फ़िलहाल आपको तो कुछ वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड हैं, हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एकदम ब्लाइंडली इस गेम में घुसे, कुछ नहीं बताता। हाँ अब यहाँ पे ये आती हैं, ये लॉगिंग साइट है और इसी के साथ की अब रख दे एक बार तो दूसरी चीज दिखाएं, स्टोन पेट। हाँ स्टोन पेट है, मैं भूल गया था नाम। अब जब ये बन जाएंगे तो बेसिकली ये दोनों जगहें जो है अनलिमिटेड वुड और अनलिमिटेड स्टोन देती है। इनमें पैल्स को असाइन करो, कहीं नहीं जाना, उसके बाद स्टोन और वुड आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। एक बार ये बन गया, अब ग्राइंडिंग जो इसमें है आगे गेम की, वो पूरी ग्राइंडिंग जो है वो मेटल की है, मेटल की है। और पैल्डियम फ्रैगमेंट्स भी जहाँ तक हम लोग स्टोन से बना सकते हैं तो उसमें उतनी ग्राइंडिंग नहीं जितनी मेटल की है, मेटल की बहुत ग्राइंडिंग है। अभी मैं तो फ्यूचर में एक बेस और बनाऊंगा सिंपली मेटल माइनिंग के लिए। नोड्स मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा नोड्स की, कुछ जगहें मुझे पता है पिछले गेम प्ले से जो मैंने डेमो गेम प्ले किया था वो मैं दिखाऊंगा। तो दूसरा वहीं बनेगा, वहाँ पे सिर्फ माइनिंग पैल्स रहेंगे, उनके सोने के लिए उनके बेड्स रहेंगे और एक स्टोरेज बॉक्स रहेगा और एक फीड बॉक्स रहेगा। हाँ फीड बॉक्स रहेगा क्योंकि खाएंगे तो है ना। ये बन रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। इसमें मैं अपने सुअर को डाल दूंगा जो रश रोर है मेरा, है ना, वो माइन करेगा। अभी देखो ये लोग आएंगे हेल्प करेंगे, हम तीनों लोग बिल्ड करेंगे, बढ़िया सी बीट बनेगी। हथौड़ा चल रहा है, बीट चल रही है, धड़ाधम धड़ाधम धड़ाधम। अबे तुम कुछ किए तो हो नहीं, खा क्या रहे हो। खैर
डाल दें यहाँ पे इसको फिलहाल, फिर से मत जलना, फिर से। अरे 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 अरे, कुल्हाड़ी से कौन पकाता है बे? ये शील्ड मिल गई, चलिए मुझको शील्ड। एक बार एक्विप हो जाती है तो लाइफ तुरंत नहीं जाती, पहले शील्ड जाती है फिर लाइफ जाती है। शील्ड काफ़ी ड्यूरेबल होती है, अभी तो कॉमन शील्ड मिली है, बाद में एक और शील्ड होती है वो मिल जाएगी, मेगा शील्ड हमारे ख्याल से नाम है उसका। तो मेगा शील्ड जो होती है वो काफ़ी प्रोटेक्शन देती है। अभी इस सुअर को डालना है यहाँ पे, जा बे, फेंको फेंको, फेंक दिया। आए, नो वर्क सूटेबिलिटी विथ कूलिंग, कूलिंग, अबे कूलिंग क्या, कूलिंग क्या है, मैं इधर आओ जरा, चलो छोड़ो। चलिए फिर आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर पैल वर्ल्ड। प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ टेल अस व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर यू, हाउ एल्स वी कैन इम्प्रूव आर परफॉर्मेंस, हाउ एल्स वी कैन इम्प्रूव आर कंटेंट। एनी आइडियाज़ आर वेरी मच अप्रिशिएटेड। फिर से आइएगा, आते रहिएगा, आगे भी वीडियो हम लोग डालते रहेंगे, ऐसा कॉन्टेंट, इससे अच्छा कॉन्टेंट, इससे ख़राब भी हो सकता है, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होल्ड करता है, लेकिन प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, मॉडर्न वॉरफेयर 2 का भी आ रहा है, मॉडर्न वॉरफेयर 2 जाके प्लीज़ हम लोग का कंटेंट एक्सपीरियंस करिए उस गेम को भी। उस गेम में कमेंट्री नहीं है क्योंकि वो गेम अपने आप में बहुत टॉकेटिव गेम है, उस गेम के कैरेक्टर्स बहुत काफ़ी टॉकेटिव हैं, तो उसमें कमेंट्री नहीं, कमेंट्री आपको सिर्फ पैल वर्ल्ड में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन, एंड बाय बाय।